रेडी। देखो भाई, सिग्निफिकेंट फिगर में घुसने से पहले एवरियन मैं आपको है ना इसके रूल्स, चलो ठीक है भाई। सिग्निफिकेंट फिगर में ना पहले मैं आपको ये बताऊंगा इसके रूल्स क्या है। ओके चलो एवरीवन हियर, तो यहां लिखा देखो, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सब लोग पढ़ो क्या लिखा है। हाँ कि भैया सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप डिटरमाइन कैसे करोगे, फाइन कैसे करोगे। तो सबसे पहला रूल ये कहता है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। समझाता हूं मैं, क्या बोला गया, ऑल द क्या रहेंगे, समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक नंबर दिया हुआ है 178.43, सारे के सारे डिजिट्स कैसे, मतलब इसमें एक भी बंदा जीरो नहीं है। नॉन जीरो का मतलब यही हुआ ना, इसमें एक भी बंदा, तो भैया ऐसे मेरे पास कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5। तो किसी ने आपसे पूछा सिग्निफिकेंट डिजिट कितने, तो आंसर क्या रहेगा, सही है। ओके चलो, तो सबसे पहला रूल यही कहता है भाई कि कभी भी अगर आपको नंबर में ये दिखा, क्या दिखा, वो सारे के सारे क्या रहेंगे, इसे लिखा। तो यहाँ पे कितने लोग सिग्निफिकेंट है भैया, टोटल 5। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑल द जीरोस, ऑल द, देखो अभी बात हो रही थी किसकी, अब बात किसकी हो रही है, ऑल द जीरोस। लेकिन वो जीरोस की खास बात क्या है, सुनो, all the zeros between two non-zero digits are significant। मतलब क्या है, सुनो, मान लो कभी इस नंबर में बीच में जीरो आ गया, जैसे यहां पे बीच में क्या आ गया, जीरो आ गया। लेकिन एक खास बात, जीरो के आजू बाजू में देखने का, जीरो के उस तरफ भी नॉन जीरो डिजिट है, जीरो के इस तरफ भी। इसका मतलब हमारा जीरो कहां पर है, सब बोलो बोलो। देखो पहले पॉइंट में ये बोला गया अगर नॉन जीरो डिजिट है वो तो वैसे भी सिग्निफिकेंट है। दूसरे पॉइंट में ये बोला जा रहा है अगर कभी जीरो आ गया, अगर कभी जीरो आ गया तो टेंशन मत लो, जीरो के आजू बाजू में देखो, अगर जीरो के आजू बाजू में नॉन जीरो डिजिट है या जीरो है, लेकिन इसके इधर भी, राइट में भी नॉन जीरो और लेफ्ट में भी, फिर वो जीरो भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। मतलब जब यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे ना, तो हम देखेंगे ये नॉन जीरो है, चलो ये काउंट होगा, ये भी नॉन जीरो, ये भी काउंट होगा, ये नॉन जीरो, ये भी काउंट होगा, ये नॉन जीरो, ये भी काउंट होगा। एक जीरो है और वो जीरो की खास बात क्या, दो बीच में है तो वो भी काउंट होगा। तो कितने होगा टोटल, 1 2 3 4 5। तो क्या बोलेंगे हम लोग, तो ये यार, तो दो बात अभी तक मैंने बताया सिर्फ। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सुनो, इफ द नंबर इज लेस देन 1। एग्जाम्पल के तौर पे इस नंबर को देखो 0.000, जो भी नंबर है, एक चीज से एक चीज देख लो खाली, नंबर 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है ना नंबर, मतलब एक बात तो पक्की हो गई। क्या, कौन सी बात पक्की हो गई कि भाई हमारा नंबर, तो अगर कभी ऐसे नंबर बीच में आ जाए, ऐसे नंबर से हमारी मुलाकात हो जाए और हमसे पूछा जाए बताओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तब देखो रूल क्या कहता है, सुनो, द जीरो या जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। सर क्या बोलना चाह रहा है ये सर, समझाता हूं, बहुत सिंपल सी बात है एवरीवन हियर। देखो पहला नॉन जीरो डिजिट कहां से शुरू हो रहा है, यहां से। उसके पहले के जितने भी जीरो ना उसको कंसीडर मत करो, ये पॉइंट यही बोल रहा है कि भैया पहला नॉन जीरो डिजिट कहां से, यहां से शुरू हो रहा ना, उसके पहले के जितने भी जीरोस है वो काउंट नहीं होंगे। अब कितने लोग बचे अपने पास, 4 लोग बचे। सर लेकिन वो 4 में एक जीरो भी है, हाँ लेकिन वो जीरो के आजू बाजू में दो, तो क्या वो काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा। तो बताओ फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3 4। इसलिए यहाँ पे लिखा है। बात समझ में आए एवरीवन? तो सिंपल सी बात है, कभी ऐसे टाइप के नंबर आ गए 0 पॉइंट दिस, 0 पॉइंट दैट, 0 पॉइंट दिस, 0 पॉइंट दैट, तो याद रखना सबसे पहले देखने का पहला नॉन जीरो डिजिट किधर है। उसके पहले के जितने भी जीरो है हटा दो, वो काउंट। वही तो लिखा है यहाँ पे, द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में जितने भी जीरो है, एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी ये उसके पहले के जितने भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो सिर्फ ये देखने का पहला नॉन जीरो डिजिट किधर है सर? इधर। उसके पहले के जितने जीरो हटा दो, ये काउंट। उसके आगे ही कहानी, कितने लोग 1 2 3 4, सर इधर जीरो है, अरे जीरो के आजू बाजू में, तो वो काउंट होगा। तो कितने डिजिट हो गए? 4। 1 2 3 4, इसलिए लिखा है 4। ठीक है। अच्छा कभी सर ऐसा हो गया तो ऐसा ऐसा ऐसा, चलो इधर आ जाओ, थोड़ा ध्यान से देखना। अभी ये नंबर को देखना, ये नंबर को। अब ये नंबर इस कैटेगरी में नहीं आता। क्यों नहीं आता सर ये नंबर इस कैटेगरी में? क्योंकि इसमें क्या कहा गया था, क्या कहा गया था? क्या ये नंबर 1 से कम है? अरे 1.5 है ना, ये नंबर 1 से, मतलब ये इसमें काउंट। हाँ, अगर ये इसमें काउंट नहीं होगा तो फिर पुराना रूल अपना। ओके, तो पुराना रूल क्या कहता है भैया? सुनो एवरीवन हियर, ओके, पुराना रूल कहता है अगर नंबर 1 से बड़ा है तो कोई टेंशन मत लो। ओके, कितने डिजिट है? 1 2 3 4, यानी क्या है ना? अच्छा। अब इधर आ जाओ, जरा इसकी बात करो। मुझे बता क्या ये नंबर इस कैटेगरी में आता है? हाँ, क्यों? क्योंकि नंबर कैसे शुरू हो रहा है? 0 पॉइंट, मतलब ये क्या है? हाँ, नंबर लेस देन। ठीक है, चलो। अब अगर नंबर लेस देन 1 है तो रूल क्या कहता है कि भैया पहला नॉन जीरो डिजिट देखो, उसके पहले के जितने जीरो है वो काउंट नहीं होंगे, उसके बाद के सब काउंट होंगे। 1 2 3 4, कितने हो गए भाई? 4 सिग्निफिकेंट फिगर ईच। क्यों लिखा है सर? अरे इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो ये बात समझ में आई एवरीवन? ओके, तो ये बात याद रखना। ठीक है, तो भाई अब याद रखना, अगर डेसिमल पॉइंट रहा, सुनो अच्छे से, अब आप मेरे को बोलोगे ठीक है, अगर डेसिमल पॉइंट है, क्या है डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ के जीरोस काउंट होते हैं भाई, याद है? इसमें भी हमने बोले 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें भी हमने बोले। लेकिन अगर डेसिमल नहीं है, जैसे इन नंबर्स को देखो, इन नंबर में कोई डेसिमल नहीं है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीवन हियर। ओके, इसको देखो, L इक्वल टू क्या लिखा है? 125। क्या लिखा है? ये तो बहुत सीधा सीधा हिसाब है, 1 2 3, कितने भैया है ना? अब इधर आ जाओ, 1 2 5 0 0 है ना? अब 3 तो डिजिट हो गए नॉन जीरो, बराबर, लेकिन इसमें कोई डेसिमल वेसिमल नहीं है, कोई 0 पॉइंट वगैरह नहीं है, तो भैया इसमें ये 2 जीरो काउंट नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे भी क्या है भैया? बोलो जोर से। अब आखिरी में आ जाओ, इधर आ जाओ। ओके, 1 2 5, 3 जीरो है, लेकिन यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, तो ये 3 जीरो काउंट। तो कितने लोग हैं? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर डेसिमल रहा, क्या रहा, तो भैया आखिरी के जीरो भी शुरू के काउंट नहीं होंगे, लेकिन आखिरी के जीरो, लेकिन अगर डेसिमल नहीं है तो भैया आखिरी के जीरो काउंट, तो इधर भी और इधर भी। गेम समझ में आया एवरीवन? ओके, तो भाई फिर एक बार रूल्स अपन रिपीट करते हैं, जरा ध्यान से देखना एवरीवन। ओके, सबसे पहला रूल एवरीवन हियर, पहला रूल क्या लिखा है? ऑल, बोलो ऑल। जैसा भी ये नंबर है, एक भी जीरो नहीं है, यानी सारे के सारे कौन है? तो भैया ये सब के सब क्या रहेंगे? तो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। तो क्या लिखा हमने? ये सेकंड वाले पे आ जाओ, सेकंड वाले पे। अब सेकंड वाले की खास बात क्या है? जीरो है, जीरो है, लेकिन कहां पे है? सब बोलो। हाँ अरे बोलो ना, जीरो है लेकिन दो तो नॉन जीरो डिजिट्स के ऐसे टाइम पे इसको भी हम सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। तो कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5। क्या लिखा है? बोलो ना, इधर आ जाओ। क्या शर्त है यहाँ पे? इफ द नंबर इज लेस देन 1। तो याद रखना, लेस देन 1 कैसे पहचानोगे? 0 पॉइंट से शुरू होगा। जो भी नंबर लेस देन 1 है कैसे पहचानोगे? 0 पॉइंट वाले नंबर सब यही होते हैं, नंबर लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 है तभी तो 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या कहानी है भाई? इसमें ये कहानी भैया, पहला नॉन जीरो डिजिट देखना। पहला नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे कौन है? 1। उसके पहले के जीरोस काउंट नहीं होगा, सुना आपने? उसके पहले के जीरोस काउंट। इधर चले जाओ, कितने लोग हैं? 1 2 3 4। सर बीच में जीरो है, अरे उसके आजू बाजू में तो नॉन जीरो भी तो है ना, क्योंकि इसलिए ये लोग चारों सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा भैया? ये। अब इधर आ जाओ, नीचे इधर। ओके भैया, अगर मान लो सीन ये है कि जीरो आए लेकिन कहाँ पर? नंबर के बाद, जैसे 1.500। भाई ये वाले तो काउंट, लेकिन ये वाले काउंट होते भाई, सुना आपने? नंबर के बाद वाले, डिजिट के बाद वाले जीरो काउंट होंगे। ठीक है, इधर भी आ जाओ। ओके, जीरो के पहला नॉन जीरो डिजिट देखो, उसके पहले वाले काउंट लेकिन उसके बाद वाले। तो यहाँ पे कितने लोग हैं? 1 2 3 4। इधर भी कितने लोग हैं? 1 2 3 4। इसे लिखा है बोथ हैव 4। चलो भाई, लेकिन हमने एक बात और भी पढ़ी कि भाई कभी सीन ऐसा हो जाए। कैसा हो जाए सर? इधर आ जाओ। इन सब में खास बात क्या मालूम है? या मैं ऐसा बोलूँगा, इन तीनों में और इन दोनों में फ़र्क क्या है? इनमें डेसिमल है ना? इनमें, इनमें और इनमें यही फर्क है, यही फर्क है। और क्योंकि इनमें डेसिमल नहीं है, तो रूल क्या कहता है कि भैया अगर डेसिमल नहीं है तो जो एंड में, एंड के जीरो ना, जो यहाँ पे काउंट होते थे, यहाँ पे काउंट होते थे, अब यहाँ पे काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ कितने डिजिट हो गए? 3। यहाँ कितने डिजिट हो गए? 3। यहाँ कितने डिजिट हो गए? 3। इसलिए लिखा है क्या? बोलो। बस यही रूल्स है, सिग्निफिकेंट डिजिट के यही रूल्स है। और आपसे यही पूछा जाएगा, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, फाइन एवरीवन? ठीक है, सुनो। तो पहला नंबर क्या हमारा? 25.42। क्या नंबर है भाई? ओके, और रूल नंबर 1 क्या कहता है? सबसे सिंपल रूल कि भैया नॉन जीरो डिजिट है, क्या है तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर। कितने लोग हैं? 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर 4। सेकंड वाले पे आ जाओ। भाई कहानी की शुरुआत हो रही है 0.000, यानी भाई रूल के हिसाब से ये पहले की 3, बस बाकी कितने बचे? 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। और ये बात रूल नंबर 3 में लिखी है। अब इधर आ जाओ। अब इसमें क्या है एवरीवन? दिख रहा आखिरी में जीरो है ना? आखिरी में, और डेसिमल भी है, मतलब आखिरी का जीरो काउंट होगा। तो कितने होगा टोटल? 1 2 3 4, सही है। ओके अब इधर भी देखो एवरीवन डेसिमल है, डेसिमल है मतलब आगे के जीरो भी, तो भैया पहले के दो और ये तीन, टोटल कितने हो गए? सिंपल है एकदम, ठीक है। अब इधर आ जाओ एवरीवन, ये देखो पहला नंबर 0.0000, याद है वो हमने पढ़ा था कि भैया अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो ये जीरो को काउंट, कितने बचे? एक, तो सिग्निफिकेंट फिगर वन। सेकेंड वाले को देखो, ओके 0 पॉइंट, तो स्टार्टिंग का कोई भी बंदा काउंट, लेकिन बाद के जीरो काउंट होंगे, तो कितने लोगे भैया? 1 2 3, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाओ एवरीवन हियर। सबसे पहले एवरीवन नंबर क्या है? 6.4 × 10⁶, इसको देखने की जरूरत, 6.4 है, क्या है भाई? देखो ये सारे नंबर है ना 1 से बड़े फिलहाल तो, ओके, तो 6 पे इसी को देखना, सिर्फ इसी को, इसको देखने की जरूरत नहीं है। 6.4 है, तो रूल नंबर 1 के हिसाब से दो लोग हैं और दोनों नॉन जीरो है, तो आंसर क्या आएगा? 2। इधर भी दो लोग हैं और दोनों नॉन जीरो है, तो आंसर क्या आएगा? 2। दो लोग हैं दोनों नॉन जीरो है, तो आंसर क्या आएगा? 2। भैया इनको देखने की जरूरत, बात समझ में आए? फिर वो 10⁻+ में रहे या 10⁻− में रहे, उससे कोई फर्क पड़ता, बात समझ में आई एवरीवन? ये ठीक है, फाइन एवरीवन, एज सिंपल एज दैट, डन। चलो सब यहां पे, भाई क्या बोलते हैं इसको एवरीवन? बोलो जोर से। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या चीज है, जरा सुनो एवरीवन हियर। लिखा है कि भाई किसी भी नंबर को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, a × 10⁻n, जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिखा है यहाँ पे? इन एयर, तो बोलो ये जो लाइट है ना, लाइट जब ये ट्रैवल करती है तो जाहिर सी बात है इसकी कुछ तो स्पीड होगी। अब इधर सुनो, बाय द वे स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है 3 × 10⁸। हाँ, आगे क्या लिखा है? मीटर/सेकेंड। तो सुनो इसमें ना एवरीवन जरा ध्यान से इसको और इसको देखना। तो ए की जगह पे कौन है? 3। 10 की जगह पे तो 10 है ना? और ऊपर जो है ना यहाँ पे n की जगह पे कौन है? तो रूल क्या कहता है, जब भी आप इस फॉर्म में लिखोगे, कैसे? a × 10⁻n, सब बोलो ना, a × 10⁻n, बोलो एक साथ, बोलो हाँ। तो भैया a × 10⁻n जब आप लिखोगे तो बस एक चीज का आपको ख्याल रखना है, क्या? ये जो आपका a है ना, a एक शर्त है कि आपका a 5 से छोटा होना चाहिए और 0.5 से या तो बड़ा हो या तो इक्वल हो। आपका जो a है वो 5 से छोटा होना चाहिए। अभी जैसे इसी को देखो, क्या नंबर था यहाँ पे? 5 से और 0.5 से, ये रूल होता है, ओके। और दूसरा रूल इसके लिए n क्या होना चाहिए सर? n होना चाहिए इंटीजर, मतलब क्या भैया? ये नंबर है ना 8, ये नंबर है -31 -30, ये सब इंटीजर समझते हो एवरीवन? बताओ नंबर लाइन 0, यहाँ पे 1 2 3 होता है, यहाँ पे -1 -2, इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर, है ना? ऐसा होना चाहिए, सुना आपने एवरीवन? ओके, तो भैया कभी भी है ना आपको बोला गया ये इस टाइप में लिखो, किस टाइप में लिखो? बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। तो लिखने का तरीका ऐसा होगा, a × 10⁻n, सब बोलो भाई, बोलो यार। बस भैया दो शर्त है, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन a के लिए, और वो पहली शर्त या पहली कंडीशन क्या है भैया? पहली शर्त या पहली कंडीशन ये है कि आपका जो a है वो 5 से छोटा होना चाहिए और 0.5 से या तो बड़ा हो या तो नीचे क्या लिखा है? इक्वल हो, ठीक है, ओके। दूसरी शर्त इसके बारे में, किसके बारे में? n में क्या होना चाहिए? बोले अगर ऐसा हुआ तो उसको कहा जाएगा, ओके। अभी सब इधर देखो, ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ है, ओके, किसी ने आपसे पूछा भैया इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, किसी ने आपसे पूछा इस पूरे आंसर में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये पावर बताने का। पावर में क्या लिखा है भैया, 8 उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, सही है। ओके चलो दूसरी चीज, अब इधर आ जाओ, क्या लिखा है यहाँ पे, बोलो ना। अब मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी गई है 9.1 × 10⁻¹⁰ बहुत ध्यान से देखना इसको। मैं कह रहा हूं एवरीवन, पिछली बार है ना जब दिया गया था 3 × 10⁸ हमसे पूछा गया था, तो हमने फट से बोल दिया सर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 है। इस बार मैं वो नहीं कर पाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि एवरीवन जरा ध्यान से देखो, इस नंबर ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है। भैया ये कंडीशन क्या कहता था कि आपका ये वाला जो नंबर है ना ए, वो 0.5 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या ये नंबर 5 से छोटा है? अरे नंबर क्या है, 9.1 यानी 5 से नहीं चलेगा। तो सर फिर कैसा निकालेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? या पहले इसको है ना इस कंडीशन के हिसाब से सेट करो। सर वो कैसे करेंगे? अरे बहुत ईजी है, मुझे बताओ, अगर ये डेसिमल को यहाँ शिफ्ट किया जाए तो ये जो 9.1 का क्या बन जाएगा, है ना, और इसी चक्कर में जो -31 था वो क्या हो गया, है ना, एक कम हो गया। तो ये अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना, क्या 0.9 है, 0.91 में 1 छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, 0.9 है। यहाँ पे क्या कहा गया था, 5 से बड़ा होना चाहिए, या तो 0.5 हो या तो उससे। अपना बंदा 0.9 है, यानी उससे, मतलब अब हमारा ये नंबर नहीं, ये नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर। अब आपसे किसी ने पूछा भैया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये -30। समझ में आया एवरीवन? तो कभी भी आपसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा ना, तो भैया ये शर्त याद रखना, ये कंडीशन याद रखना, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या कहता है ये कंडीशन, आपका ए 5 से छोटा होना चाहिए और 0.5 से या तो बड़ा हो या तो इक्वल हो ना, आपने एवरीवन। ओके, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा कोई नंबर मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो भैया उसको चेंज करो, उसको चेंज करो और उस कंडीशन जैसा बनाओ उसको। जब तक आप ऐसा बनाओगे नहीं, तब तक आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते। देखो ना, हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ से नहीं निकाला, हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाला। पहले हमने इसको कन्वर्ट किया, उसके जैसा बनाया, उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को फाइंड। ये एवरीवन, तो ये कहानी है किसकी, बोलो जोर से, ऑर्डर। तो भैया दो इंपॉर्टेंट चीज पढ़े आज अपने एवरीवन, एक सिग्निफिकेंट फिगर्स और दूसरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये दोनों के अपने अपने रूल्स हैं। ओके, तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नंबर दिए जाएंगे और बोलेंगे सिग्निफिकेंट फाउंड फिगर फाइंड आउट करो, और कुछ नंबर दिए जाएंगे बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट। दोनों के रूल्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है एवरीवन, फाइन।